गुड मॉर्निंग दोस्तों, भाइयों, मित्रों, सत श्री अकाल, केम सो, मजामा, और क्या हाल चाल दोस्तों। आज संडे है गाइस, और जस्ट अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ गाइस। जानते हैं संडे को एकदम रिलैक्स मूड में रहते हैं गाइस, और बाबू तो अभी नहाए भी नहीं, फिर नाश्ता बन रहा है गाइस। मेरी बिलोरानी जो है वो नाश्ता बना रही है गाइस, और मैं अपना आप लोग से कुछ बातें करने के लिए थोड़ा सा आ गया ब्लॉगिंग करने के लिए गाइस, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली सबसे मेरे दिल के नज़दीक है। और जो ये सब नन्हे मुन्ने हैं, ये सब इतना परेशान कर रहे हैं कि क्या बताएं। ये सबको अभी थोड़ी देर पहले एक ब्रेड दिया था, चारों को चार ब्रेड दिया गाइस, फिर भी इन लोग का पेट नहीं भरता है। लेकिन अभी मेरी बिल्लू नानी नाश्ता बना रही है गाइस, क्योंकि अभी हम लोग तो नाश्ता भी नहीं किए हैं। मैं पूरा घर का अच्छे से साफ सफाई, और काफ़ी वो तो एक चीज़ है जो मैं नहीं बता सकता, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। सो उसको बढ़िया से हम लोग काम वाम करके, और मेरी स्नूपी है गाइस, देखिए यहाँ नीचे बैठ के अपना, ये भी इसका भी प्लेस अच्छे से साफ़ सफाई कर दिया गाइस। जानते मैं साफ़ सफाई के मामले में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, मुझे गंदगी नहीं अच्छी लगती है गाइस। और मेरी जो बर्थडे गर्ल है, जिनका कल बर्थडे था गाइस, देखिए ये अपना अभी नहाने को है नहीं, ब्रश कर ली, चाय पी ली, उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले 12 बजे उठी हैं। देखिए इनके नानी का फ़ोन आया, नानी से बात कर रही हैं गाइस कि क्या हुआ, कैसे हुआ कल, क्या तो कुछ बता भी नहीं रही हैं, अभी नहाए भी नहीं है ये। सो देखते हैं क्या है नाश्ते में। आई थिंक स्मेल से तो लग रहा है चूड़ा मटर और कुछ चाय वाय नाश्ता, यही सब होगा। और शाम को बनेगा गाइस, आज कुछ स्पेशल बनेगा गाइस, छिमी का पूड़ी और खोआ का पूड़ी बनेगा गाइस। सो शाम को दिखाएंगे, और आपको जिसको जिसको खाना है वो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए, मैं आप लोग को भी एड्रेस दे दीजिए, आप लोग के एड्रेस पे भी पहुंचा दूंगा गाइस। सो गाइस मैं तो फ्रेश हो चुका हूँ अच्छे से, अभी तो मॉइस्चर क्रीम भी नहीं लगाया हूँ गाइस। सो चलते हैं गाइस, क्रीम वीम लगाने के बाद मुझे थोड़ी सी भूख लगी, क्योंकि नहाने के बाद ना काम करने के बाद गाइस ऑब्वियसली थोड़ा सा नाश्ता तो नहीं किया, इसलिए भूख लग गया गाइस। देखिए छन्ने से आवाज़ आया किचन में, कुछ अच्छा स्पेशल पक रहा है गाइस, उसका स्मेल भी अच्छा रहा है। सो चलते हैं मॉइस्चराइजर क्रीम लगाते हैं, थोड़ा बाल में ऑयल लगा के अच्छे से वार्म कर लेते हैं बाल को, फिर उसके बाद चाय नाश्ता करने के बाद फिर मैं आपसे गाइस। हम लोग का नाश्ता पानी सब खत्म हो चुका है गाइस, सब लोगों ने कर लिया नाश्ता गाइस। बताइए इस टाइम खाने का टाइम है, लेकिन हम लोग उल्टा चलते हैं, हम लोग नाश्ता के टाइम खाने के टाइम नाश्ता करते हैं, और खाना खाने के टाइम लंच होता है। तो हम लोग का हो गया गाइस, फिनिश हो गया। और ये सब देखिए नन्हे मुन्ने बाहर निकल के बहुत सराहना कर रहे हैं, आइए दिखाते हैं। ये दोस्तों नन्हे मुन्ने मेरी बाबू के साथ खेल रहे हैं सब, ये चारों बहुत दुष्परमाशी कर रहे हैं गाइस। देखिए ये स्नूपी बेचारी मेरी तो बंदी है, हमेशा बंद के रहती है, ये भी बहुत बदमाशी करती है। ये नन्हे मुन्ने देखिए इधर से उधर से इधर सब घूमते हैं, देखिए लड़ाई कर रहे हैं सब आपस में, देखिए 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 सब WWE करते हैं। अभी हो गया थोड़ा सा रेसेस, आराम करने के बाद फिर से सब वापस। सबको कब से भूख लगा था गाइस, कब से सब चिल्ला रहे थे, देखिए सबको खाना दे दिए गाइस, दो लोग को इधर दिए और दो लोग को इधर दिए, क्योंकि सब आपस में खाएंगे तो इतना लड़ाई करते और इतना खाना का बर्बादी करते कि क्या ही खा लेंगे। तो उसके बाद मैं अपने स्नूपी को दूंगा अलग से, क्योंकि भाई जानते हैं ये लोग को थोड़ा सा दिमाग तो होता है, लेकिन जानते हैं एक दूसरे का खाना ज़्यादा छीना झपटी करते हैं। तो ये लोग खाने के बाद मैं अपने स्नूपी को अलग से दूंगा गाइस, और हमारा तो हो चुका है। अब खाना वाना जब भूख लगेगा तो शाम को देखेंगे आएगा। अब चलते हैं गाइस, पिक्चर देखना था, लेकिन बिल्लो रानी के शॉप से फ़ोन आया है कि प्लीज़ आ जाइए, कुछ अर्जेंट से आ गया काम गाइस। सो देखते हैं गाइस क्या है, फिर अब कुछ काम करने को देखते हैं, क्योंकि जाना है उसका। बिल्लो रानी का फ़ोन आ गया है कि आप आ जाइए, कुछ अर्जेंट सा काम आ गया है गाइस। सो चलते हैं, देखते हैं क्या है काम, उनके शॉप पर जाना होगा उसको लेके गाइस। तो जाना तो पड़ेगा, काम तो काम होता है गाइस, संडे हो चाहे मंडे, भाई जब फोन आ जाएगा संडे हो चाहे, काम तो जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले वो, उसके बाद ही कुछ और काम कर सकते हैं हम लोग। सो नाश्ता पानी हो गया, वो गई है नहाने गाइस, उसका मन था नहीं नहाने का क्योंकि ठंडी, हम बोले जाओ नहा लो, तो गई है, गर्म पानी मैंने करके रखा था गाइस, तो वो गई है नहाने, नहाने के बाद आएगी फिर तैयार होकर, फिर मैं उसको लेके जाऊँगा उसके शॉप पर गाइस। तो चलते हैं देखते हैं, वो रेडी हो जाती है फिर मैं निकलूंगा शॉप के लिए। सो गाइस फाइनली मैं अपने बिल्लो रानी की शॉप पे आ गया हूँ गाइस, ये देखिए पीछे शॉप है गाइस, वो अंदर गई है अभी, जिसको जो बोला था अर्जेंट काम वो भी आया नहीं, तो उनका वेट कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा अंदर जाके, वो बुल्ले आई है अंदर बैठे, तो मैं तो नहीं जाऊँगा, तो मैं चलता हूँ गाइस। थोड़ा सा नींबू वाला, ये बगल में अंकल जी का चाय है, तो नींबू वाला चाय पीने का मेरा मन कर रहा है, तो आइए चलते हैं नींबू वाला चाय। फाइनली मैं दोस्तों आ गया हूँ अपने अंकल जी के शॉप पर, नींबू वाला चाय बहुत मस्त बनाते हैं। चाय पीने के बाद फिर मैं वापस जाऊँगा अपने बिल्लो रानी जी हैं सामने बैठे हैं, जो कि नींबू वाला चाय बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं, जो एक बार इनके हाथ का चाय पिएगा वो बार बार याद रखेगा, बार बार यहीं आएगा। तो मैं तो यहीं आता हूँ, आप लोग भी आइए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया होगा गाइस। आज संडे है गाइस, संडे को सब मजा लेते हैं गाइस, हम लोग भी अपना इन्जॉय कर रहे हैं संडे गाइस। सो मेरी बिल्लो रानी बहुत ही ज़्यादा फास्ट है गाइस, उसने रात का डिनर अभी से ही प्रिपेयर कर लिया है गाइस। सो आज मेन्यू में है गाइस मटर की पूड़ी, मटर आलू की पूड़ी जो कि विंटर में सबसे बेस्ट होता है,
नॉर्मली सबके ही घरों में बनता है, और स्पेशली मीठे में डिज़र्ट में है गाइस खोवा का पूड़ी, और उसके साथ है आलू गोभी मटर का सब्जी, जो कि एकदम मौसम हो जाएगा खाकर। जो भी खाएगा कमेंट में बताइएगा कौन कौन विंटर में मटर और खोवा का पूड़ी का खाया है साथ में। सो मैं तो फर्स्ट टाइम खाने जा रहा हूँ अभी इस विंटर में, आप लोग भी बताइएगा। देखिए मेरे मुँह में पानी आ रहा है गाइस। सो सुबह तो गाइस जानते हैं लेट उठे हम लोग, काम वाम करने के बाद नाश्ता ही किया 1-1.30 बजे, तो भूख नहीं लगी थी। अभी को मेरे बिल्लो रानी को बोली मुझे भूख लग गया, तो वो अपना ये बनाने के लिए गाइस। सो वो आ गई अभी जस्ट कमरे में, मैं तो उसको नहीं दिखा सकता गाइस। वो एकदम अच्छी लग रही है, और उसका हाथ में जो प्लेट है वो भी एकदम मस्त ज़बरदस्त लग रहा है गाइस। मज़ा आ रहा है मेरे को, देखिए वो दिखा रही है क्या क्या है। देखिए आप लोग, ये है गोभी का सब्जी और पूड़ी खोवा का और मटर का छिमी का पूड़ी। सो देखिए कितना डिलीशियस यमी लग रहा है गाइस। और मेरी जो ये बाबू है इनको तो ऑलरेडी इतनी भुक्कड़, अभी तक सुबह से नहाए भी नहीं है, और ये नहाएंगी भी नहीं अब, क्योंकि अब तो सुबह ही नहाएंगी। सुबह भी क्या नहाएंगी, कल बर्थडे था तो अपना अच्छे से नहाई थी, बाल बाल धुल कर। देखिए ये अपने पेट को शांत कर रही है गाइस। सो आप लोग भी जाइए अपने पेट को शांत कीजिए, और संडे की इवनिंग को मस्त इन्जॉय कीजिए। हम भी चलते हैं थोड़ा सा किचन में, थोड़ा सा काम है और उसको निपटा कर फिर थोड़ा सा कुछ भूख मुझे भी लग गया है थोड़ा सा करके, उसके बाद हम लोग मिलते हैं आप लोग को थोड़ी देर। फिर से मैं वेलकम बैक करता हूँ आप लोगों का और अपना भी। सो अभी थोड़ी देर पहले मुझे फरमान मिला है गाइस कि जाइए और लेके आइए मटन, जो कि सबका फेवरेट होता है, मेरा तो एकदम फेवरेट है यार। नॉनवेज बन तो चुका था खाना, लेकिन होता है ना लेडीज़ों को, महिलाओं को कोई नहीं समझ सकता, उनके दिमाग में कब क्या चलता है कोई नहीं जान सकता। सो उनका पता नहीं कहाँ से अचानक से मन कर दिया गाइस मटन खाने का, तो मैं जा रहा हूँ गाइस लेने मार्केट से मटन लेने, लेके आता हूँ। और ये बाबू जो अपना कल का गिफ्ट मिला है इनको डोम्स का ड्राइंग सेट, उसी में व्यस्त है। और मेरे सब पपी लोग अपना सोए हैं, स्नूपी किचन में बिल्लो रानी के साथ हेल्प कर रही है किसी काम में। और मैं जा रहा हूँ फटाफट से मटन लेके आता हूँ, गर्मा गर्म कंबल के अंदर लेटा था, लेकिन फरमान आ गया है गाइस तो जाना पड़ेगा, क्योंकि घर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, हम नॉर्मल से स्टाफ हैं, सो जो मालिक ऑर्डर देगा उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। तो जाते हैं जल्दी से फटाफट से मटन लेके आते हैं और बनाते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोग को फटाफट से। और आप लोग को भी जिसको जिसको मटन खाने का मन है जाइए फट से लेके आइए, और फिर मैं बताता हूँ कैसे बनाया जाता है। दोस्तों कितना 10-15 किलोमीटर दौड़ने के बाद गाइस मुझे फाइनली मिल चुका है मटन। मैं गया था जिधर से मैं ऑफिस से आता हूँ गाइड कैंटीन नदेसर, उसी के पास से मुझे मिला है मटन। सो चलते हैं फाइनली उसको अच्छे से धुल लेते, क्योंकि मेरी मैडम ने ऑलरेडी सब रेडी कर चुका है। देखिए गाइस कुकर पे मसाला वसाला सब भूज चुका है, बस मेरा इंतजार था, फाइनली मुझे मिल चुका है। जब मेहनत करो उसका फल मिल जाए तो उससे अच्छा क्या है। वो कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा हुआ है खाने वाले का नाम, तो जो आज किस्मत में था मिल गया। वैसे आज कोई त्यौहार है जैन का, इसीलिए आज सब पूरा बंदी है गाइस, हर जगह ढूंढ लिया लेकिन बस वहीं मिला, वो भी नसीब में मेरे था। तो चलिए जल्दी से देखिए मेरा मटन एकदम धुल के एकदम साफ हो चुका है गाइस। अब मैं डालूंगा इस कुकर के अंदर जिसमें एकदम मसाला अच्छे से रेडी। रानी का मटन पक के रेडी हो चुका है गाइस, और वो अच्छा इतना अच्छा स्मेल कर रहा है कि अब और भी ज़्यादा भूख लग गया है। सो चलते हैं देखते हैं, कुकर का प्रेशर करके निकल रहा धीरे धीरे, तो जल्दी से निकलेगा। और मेरी स्नूपी भी देखिए, वो तो मुझसे भी ज़्यादा उसका नाक तेज है। सो चलते हैं गाइस, रहा नहीं जाता अब, तो चलते हैं देखते हैं कुकर का प्रेशर निकाल के कि कैसा है उसका टेस्ट है और क्या उसका कलर है। सो जब निकलेगा तो मैं आप देखिए, हम लोग का मटन रेडी हो चुका है और गाइस प्लेटिंग भी हो चुका है। देखिए हम लोग स्टार्ट कर दिए खाना, क्योंकि रहा नहीं गया, और ये बाबू का प्लेट है हमारे। सो आप लोग भी जाइए फटाफट से मार्केट से निकाल के लाइए मटन, मतलब खरीद के लाइए और बनाइए और खाइए और मस्त हो जाइए, जैसे कि मैं मस्त होने जा रहा हूँ। उसके बाद देखिए हमारी स्नूपी दुल्हन बहन के बैठी है, सो चलते जल्दी से खा लेते खाने के बाद। कल तो हॉलीडे नहीं है, कल तो ऑफिस है, तो चलते खाने के बाद। तो दोस्तों हम लोग का खाना पीना हो चुका है एकदम डन गाइस, और आप लोग का भी हो चुका होगा कभी का, क्योंकि 10:30 से ऊपर हो रहे हैं गाइस, और संडे का मज़ा यहीं फिनिश होता है गाइस, और मेरा ब्लॉग भी अब यहीं एंड होता है गाइस। सो अब कल मॉर्निंग में मिलते हैं गाइस, क्योंकि कल तो फिर से वही सुबह उठना पड़ेगा जल्दी, ठंड में उठने का मन ही नहीं करता गाइस किसी का भी, विंटर में गर्म गर्म डिज़ाइन में से ब्लैंकेट में से निकलने का मन नहीं करता गाइस। सो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने खाना खाकर अभी जस्ट उठाऊँ गाइस, और बाबू देखिए अपने निद्रा पोजीशन में आ चुकी हैं, ब्लैंकेट एकदम अंदर। अब किसी का एक बार जो ब्लैंकेट के अंदर जाएगा विंटर में, वो फिर दोबारा निकलने का मन नहीं करता उसका गाइस। सो गाइस ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए फिर आपसे आज का ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं, आपसे अलविदा लेते हैं गाइस। सो प्लीज़ वही हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट यही है गाइस, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिए गाइस, प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए गाइस, मैं आपको लिए बहुत मेहनत करता हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। आप लोग को वीडियो में मेरे ब्लॉग में दिखता भी होगा कि ये कितना मेहनत करता है। सो प्लीज़ आप लोग से यही रिक्वेस्ट है गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए गाइस,
शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जय हिंद।